Hi friends, so today we learned about types of chemical reactions. So how many types of chemical reactions are there? There are total 5 types of chemical reactions. I already wrote these reactions. So these are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and reduction and oxidation, that is redox. Okay, so now we'll go to the combination reaction. अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने से पहले देखें केमिकल रिएक्शन क्या है. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? टू और मोर सब्सटेंसेस क्या होता है? गिव्स टू और मोर सब्सटेंसेस. टू और मोर सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या करता है? प्रोडक्ट देता है ना. ये अपना बेसिक रिएक्शन है. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिंपल टू और मोर होते हैं ना. तो इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे. ओके, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल H2O का. इसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है. हाँ, ये अपना रिएक्शन है. सो इसको बोलता है क्विक लाइम. हाँ, इसका नाम है, ये वाटर है अपना. ठीक है, इसका चाहे तो स्टेट लिखेंगे. ये लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट में है, ये तो अपना एक्वियस सॉल्यूशन. ओके, एक्वियस फॉर्म में रहता है. तो एक एग्जांपल लेंगे. इसका एग्जांपल क्या है कि एक बीकर में आप क्विक लाइम ले लो, उसमें पानी डाल लो, तो आपको क्या होगा? थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ दिखेगा, वाइट फॉर्म पे रहता है, वाइट स्लरी टाइप. ओके, सो इस केस में जाएंगे हम एग्जांपल ये ले लिया. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इधर देखिए. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अभी अपना रिएक्टेंट्स क्या है? दो है. टू और मोर रिएक्टेंट्स गिव द सिंगल प्रोडक्ट. ओके, टू और मोर रिएक्टेंट्स गिव्स रिएक्टेंट्स मतलब अपना सब्सटेंस लिख दो यहां पे. सब्सटेंस इज गिव सिंगल प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वेरी सिंपल, राइट? सो विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल. जब कोयले को जलाओगे तो कोयला का एक कार्बन है. कार्बन को जब जलाओगे, जब ऑक्सीजन दोगे तो हमको क्या होता है? CO2 मिलता है. ओके, सिंपल फॉर्म. ये अपना क्या है? एक रिएक्शन है. या तो इसका स्टेट लिखना है तो स्टेट लिखो, ये सॉलिड में रहेगा, ये अपना गैस में है. CO2 को उड़ के चला जाता है गैस बन के. हाँ, जब बर्न करते हो. सो अभी यहाँ पे एग्जांपल था ना, पहला एग्जांपल. यहाँ पे और एक चीज है इसमें. क्विक लाइम को जब पानी डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन इसके दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलता है? इसका भी कुछ नाम है. वो नाम है स्लेक्ड लाइम. सिलेक्ट लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सॉरी, व्यू के लिए. हाँ, सिलेक्ट लाइन इसको बोलता है. ओके, सिलेक्ट लाइन. सो अभी इस रिएक्शन के टाइम अपना हीट क्या होता है? रिलीज होता है, हीट रिलीज. सो दिस ड्यूरिंग रिएक्शन व्हेन एवर हीट इज रिलीज, That reaction is called as exothermic reaction. So what is exothermic reaction? A reaction during which heat is released. Okay? गाइज, ये अपना सेटअप ऐसा पेपर में करके कर रहा है, बोर्ड पे इंशाल्लाह आगे आएगा बोर्ड वगैरह पे, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा. इस फॉर्म पे समझा रहा हूँ. अपना बेसिक फंडा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, इस तरह करेंगे, आगे देखेंगे कैसा होता है. जैसे ऐसा बढ़ते जाएगा, बढ़ेंगे. तो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो. डू लाइक, इफ यू डोंट यू नो व्हाट टू डू. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो डैट I can teach you more and more in future. Okay, so ये exothermic reaction है.
इसके बाद क्या हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, अभी और एक चाहे तो ले लो, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से ये गैस फॉर्म में रहता है, मिलता है तो क्या करेगा, H2O देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बैलेंसिंग शुरू हो जाएगा, कैसा, ऑक्सीजन दो है ना तो दो लगा लो, अब इधर दो है तो इधर दो लगा लो, सिंपल, यही बैलेंसिंग जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो तो देखिए, टू और मोर सब्सटेंसेस गिव्स सिंगल प्रोडक्ट, ओके, सिंगल सिंगल दे रहा है तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वॉट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? वेरी सिंपल, एक सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल सब्सटेंस। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, ओके, FeSO4 विच इज इन सॉलिड फॉर्म, वन इट इज हीटेड, सी इन डीकम्पोजिशन देर शुड बी सम एनर्जी, ओके, वन एवर रिएक्शन टेकिंग प्लेस देर शुड बी सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अदर हीट, लाइट, ओके सॉरी फॉर द यू, और इलेक्ट्रिसिटी, देर शुड बी सम सोर्स। सो यहां पे व्हेन यू हीट द आयरन सल्फेट और इट्स कॉल्ड फेरस सल्फेट, बेटर टू टेक केमिकल नेम्स, ओके, प्रॉपर वे। So iron sulfate, that is ferrous sulfate, is heated, it gives Fe2O3 plus gas SO2 plus SO3। अभी यहाँ पे देखो iron दो है तो इसलिए दो करने का, simple balance हो गया। कैसा हो गया, 4 to that, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है ना, 3 है इधर, 2 है इधर, 3 है, 6, 7, 8 हो गया बैलेंस। सो ओके, बैलेंसिंग का इधर नहीं देखेंगे। सो क्या हुआ इधर, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट, दिस फेरस सल्फेट इज हीटेड टू गिव द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज इन गैस फॉर्म, सिंपल, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, गॉट इट, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, दिस इज इन गैसियस फॉर्म, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, सो दिस इज अवर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट डीकम्पोजिस, डीकम्पोजिस मतलब वो टूट जाता है, बिखर जाता है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेंगे CaCO3 का, CaCO3 को क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम स्टोन, लाइम स्टोन इज हीटेड एंड गिव हीट टू दिस CaO आ जाएगा, CaO को क्या बोला था हमने, इट इज क्विक लाइम आयन, इट गिव द CO2 गैस, इट इज लिबरेटेड, गैस इज लिबरेटेड। ओके, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, CaCO3 तो सॉलिड फॉर्म पे रहता है CaCO3। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो वही फेरस सल्फेट को ले लो, क्रिस्टल्स को, उसको बॉईल करो, इसके बाद क्या होगा, बॉईल करने के बाद आपको फेरिक ऑक्साइड आएगा और गैसेस फ्यूम्स आएंगे, फ्यूम्स, वो फ्यूम्स क्या है, SO2 एंड SO3। तो एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे नहीं फिलहाल, ओके, और एक एग्जांपल लेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में, अभी क्योंकि हीट का हो गया, और एक लेंगे जो एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के फॉर्म में, उसके लिए कुछ नहीं, क्या है बोले तो, जब H2O को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, ये इतना
any high amount of voltage is required. Okay, that is different thing. Just for knowledge. Okay, हमको एक example लेना है H2O को. तो H2 गैस और O2 गैस लिक्विड होता है. This is in liquid form. Okay, balancing. Okay, so this is also a decomposition reaction. When you give the electricity. Okay. तो और एक फॉर्म में, एक लाइट का एक फॉर्म में लेंगे. एक लाइट के फॉर्म में क्या लेंगे, जब AgCl ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, सिल्वर क्लोराइड को जब इसको सनलाइट में रखोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, सिल्वर का सिल्वर तो मिल जाएगा प्लस एक गैस रिलीज होता है क्लोराइड का. अभी देखो AgCl है, Cl2 है, 2Ag. Okay, so this is also a form of reaction. Okay. Single reactant number of products में आ गया. This is decomposition reaction. Okay, तो very simple है. कैसा याद रखना है, combination मतलब combine हो रहा है. क्या combine हो रहा है, reactants combine हो रहा है एक product आने के लिए. Decomposition क्या हो रहा है, decompose हो रहा है, मतलब एक reactant बहुत सारे products में आ रहा है. So this is the way of to remember this. Types of reactions. Okay. So now we completed decomposition. Now our third one is, what was the third one? Displacement. Displacement reaction. Guys, in this video I will complete up to displacement. In next video I will take double displacement and redox reaction. Because redox में थोड़ा detail में जाएंगे. तो वीडियो लंबा हो जाएगा. ओके, इसके लिए आई विल कट विद टू पार्ट्स. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे. एक्सपेरिमेंट है तो यार एक्सपेरिमेंट तो हम कुछ कर नहीं सकता इधर, फिर भी एक एग्जाम ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो. टेस्ट ट्यूब में क्या करो, नेल रखो. नेल तो किसका रहता है, आयरन का रहता है. आयरन नेल के अंदर क्या करने का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने का. सॉरी फॉर द व्यू गाइस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डिप करो. ये उसके बाद जब तुम बाहर निकालोगे ना आयरन को, तो आयरन है ना, मतलब सॉरी मतलब नेल जो आयरन का बना है, तो विल टेक एज विल आयरन ओनली. ओके, हम आयरन बोल के बुलाएंगे इसको. सो अभी क्या होगा, जब इसको थोड़ी देर के रख लिए रख दो, लाइक 20 to 30 minutes. एक्सपेरिमेंट तो हम फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ओनली जस्ट एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट वाला. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ब्राउन टाइप का ब्राउनिश लेयर. अभी क्यों डिपॉजिट होगा, वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या कर जाता है, जब आयरन हम लोग लेता है इन टर्म्स ऑफ, अभी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आयरन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, एक्वियस फॉर्म में आयरन क्या अपना सॉलिड है. तो जब इसको मिलाएगा तो क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद रखना है. तो पहला जो है ना, इसको इसमें लगा लो, ये इसके साथ मिला लो, इसको अलग कर दो, सिंपल. तो क्या होगा, Fe SO4 आएगा प्लस कॉपर. कॉपर अपना क्या है, सॉलिड फॉर्म में है. Fe SO4 क्या है, ये एक्वियस, ये पानी में मिल जाएगा इतना ही. एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेंगे, जिंक और जिंक को ले लो, सॉलिड जिंक कॉपर सल्फेट में डाल दो, ये एक्वियस रहेगा, ये सॉलिड रहेगा. उसके बाद हमको क्या मिलेगा, देखो इतना है, जिंक को सल्फेट के साथ लगा लो, कॉपर हटा लो, तो क्या होगा, Zn SO4 प्लस कॉपर सॉलिड, ये एक्वियस, सिंपल. अभी रिएक्शन को कैसा याद रखेंगे,
इसको क्या करना है, जब भी कोई भी रिएक्शन होता है ना केमिकल, इसको अलग करने के लिए जिंक को ये करो, कॉपर SO4 ये माइनस वैलेंस से रहेगा तो क्या करेगा, माइनस इस प्लस को मिल जाता है। वो थोड़ा डिटेल में जाना है तो जाएंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू। सो क्या हो जाएगा, कॉपर बच गया, कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड के पास तो वो कॉपर बनेगा, और जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, इतना ही सिंपल है ये, इसको इसके सेकेंड वाले को लगा लो, इसको निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके सो दैट्स इट गाइस, आज इतने में ख़त्म कर देंगे ना तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इसको भी आज ले लेता हूँ क्योंकि कल लेने से वीडियो ये क्योंकि ऑलरेडी इनको देखा है तो जल्दी हो जाएगा। ओके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं क्या करता हूँ, रिडॉक्स को नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करो, इसमें एक एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। दो टेस्ट ट्यूब लो, ए टेस्ट ट्यूब का ए टेस्ट ट्यूब में मिला लो। क्या लेना है टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में लेना है सोल्यूशन लेना है इसका, इसमें रहेगा बेरियम क्लोराइड और इसमें रहेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिला लो तो अभी आएगा क्या देखिए, अभी यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसको हम लिखेंगे बेरियम, तो हम पहला सोडियम सल्फेट को लिखेंगे NaSO4, Na2SO4 होता है प्लस बेरियम क्लोराइड आए तो सभी एक्वियस फॉर्म ही। इसके बाद क्या होगा, इसका इसको लगा लो, इसका इसको लगा लो, खत्म। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के इसमें मिला लो, ये फर्स्ट वाले का सेकंड नेक्स्ट वाले के फर्स्ट में मिला लो, ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है, सिंपल, दिस एलिमेंट्स आर डिस्प्लेसिंग विथ ईच अदर, दिस कैटियन इज गेटिंग बॉन्डिंग विथ एनियन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट एंड एनियन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट इज बॉन्डिंग विथ कैटियन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, इतना ही है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके अभी आएगा क्या, वही बोला यानी Cl हो जाएगा प्लस क्या होगा BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म पर रहता है, ये NaCl अपना थोड़ा एक्वियस फॉर्म में रहेगा। ओके सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस दैट्स इट, और कुछ एग्जांपल लेना है तो और क्या एग्जांपल ले सकता है हम इसका, ओके गाइस दैट्स इट, ओनली याद रखने के लिए सिंपल क्या है, इजी मेथड, ये इसको लगा लो, ये इसको लगा लो, खत्म। और नॉर्मल अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट में पहले वाले को आखिर से मिला लो, इसको हटा लो, ओवर। थैंक यू गाइस, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स।